हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आईपीएल सीजन 17 की शुरुआत से या फिर कहें सीजन की शुरुआत से पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निंदा आलोचना हेट्रेड का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो कप्तान बन गए। अब कप्तान वो खुद से तो बने नहीं, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने उन्हें कप्तान बनाया, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब ये हार्दिक पांड्या के मैटर को लेके, उनकी कप्तानी को लेके ऐसा लग रहा है कि जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो भी दो धड़ों में यहाँ पर बढ़ गई है। कुछ जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी हैं, वो हार्दिक पांड्या के साथ हैं, तो कुछ हार्दिक पांड्या के यहाँ पे अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, उनके कप्तानी मिलने और कप्तानी में जो उन्होंने चीज़ें करी हैं उसके बारे में बात करते हुए भारतीय खिलाड़ी और इस वक्त आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिनेमैटिक कल्चर है कंप्लीट, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी दिक्कत है क्या। उन्होंने कहीं ना कहीं कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने बोला कि सचिन यहाँ पे गांगुली की कप्तानी में खेले थे, वहीं गांगुली सचिन की कप्तानी में खेले थे, और इन दोनों दिग्गजों की बात करें तो वो द्रविड़ की कप्तानी में भी खेलते हुए नजर आए थे, और ये तीन बड़े दिग्गज एक समय पे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी खेले थे। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो महेंद्र सिंह धोनी खुद विराट कोहली की कप्तानी में खेले और अब यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की भी कप्तानी में खेल रहे हैं। आगे बोलते हुए रविचंद्रन अश्विन ने साफ तौर पे यह बात बोली है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर फैंस को कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, टीम मैनेजमेंट का कोई मूव पसंद नहीं आया है, तो वो क्या इस हद तक आ जाएंगे कि वो हर जगह यहाँ पे कप्तान को, मैनेजमेंट को बू करेंगे। टीम के ये दायित्व नहीं है कि वो अपने हर मूव का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे फैंस को दे, हर चीज़ यहाँ पर फैंस को बताए। टीम की मैनेजमेंट की भी स्ट्रेटजी होती है यहाँ पे, वो भी आगे की सोच को रख के यहाँ पर फैसला लेते हैं। अब ये बात तो अश्विन ने साफ तौर पे बोल दी है और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि उनका पूरी तरह से समर्थन है हार्दिक पांड्या को लेकर। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि हार्दिक पांड्या के बतौर कप्तान जो फैसले हैं वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं टीम में भी इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी यहाँ पे हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आ गए। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए सभी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, और उन्होंने फैन से कहा कि आप एक दिन इनकी जय जयकार करते हैं तो दूसरे दिन इनकी आलोचना करते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका साथ देना होगा चाहे अच्छे समय में हो चाहे बुरे समय में हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो MI का अगला मैच है जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा, वहाँ पे फैंस हार्दिक पांड्या को किस तरह से ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हार्दिक पांड्या ने जो पिछले दो मैचेस में बतौर कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे जो गलतियाँ करी हैं, बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी जो गलतियाँ करी हैं उनसे सीख लेते हैं या नहीं। आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि जैसे ही मुंबई इंडियंस यहाँ पे मुंबई पहुँची है, हार्दिक पांड्या अपने घर लौट गए, अपने परिवार से जाके वो मिलेंगे, और इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा घमासान छिड़ गया है कि भाई टीम के इतने ख़राब हालात हैं, दो दिन बाद मैच है, 1 अप्रैल को मुकाबला खेला जाएगा, और आप यहाँ पर टीम से अलग हो गए और परिवार से जाके मिलने चले गए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अभी भी अंडर स्क्रूटनी है हार्दिक पांड्या। वैसे जो पूरा पिकासो हार्दिक पांड्या को लेकर चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए इंडिया TV क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।